लॉकडाउन के चौथे चरण को लेकर सीएमआर में बैठक हुई। लॉकडाउन 4.0 को लेकर गाइडलाइन फाइनल यहां पर की गई। मुख्यमंत्री गहलोत ने गाइडलाइन पर मुहर लगा दी है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी, पूरे जिले को नहीं माना जाएगा रेड जोन, जिले में ग्रीन जोन वाली विधानसभाओं को मिल सकती है छूट। कर्फ्यू वाले इलाकों में अधिकांश पाबंदियां जारी रहने वाली है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रेड जोन में नहीं खोला जाएगा। कर्फ्यू ग्रस्त इलाके को छोड़कर अधिकांश दुकानों को खोलने की इजाजत दी जा सकती है और साथ ही शर्तों के साथ ऑटो टैक्सी को भी इजाजत मिल सकती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गाइडलाइंस पर मुहर लगा दी है। लॉकडाउन के चौथे चरण को लेकर सीएमआर में बैठक हुई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रेड जोन में नहीं खोला जाएगा। कर्फ्यू ग्रस्त इलाके को छोड़कर अधिकांश दुकानों को खोलने की इजाजत दी जा सकती है। शर्तों के साथ ऑटो टैक्सी को भी इजाजत मिल सकती है। चौथे चरण को लेकर सीएमआर में यह बैठक हुई, उसमें गाइडलाइंस पर मुहर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा लगाई गई। गाइडलाइंस फाइनल हो चुकी हैं, मुहर लगा दी है सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता पिंटू सिंह नरुका फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। जी पिंटू, देखिए किस प्रकार की रियायतें दी गई हैं गाइडलाइंस में, क्या क्या फाइनल हुआ है, क्योंकि देखिए कोरोना का कहर तो बिल्कुल कम होने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में इन सभी बातों को ध्यान में रखकर किस प्रकार की गाइडलाइंस आई है लॉकडाउन के चौथे चरण में? देखिए मनीषा, पूरे देश में लॉकडाउन 4 लागू हो चुका है। राजस्थान में भी लॉकडाउन छोटा शुरू हो चुका है, लेकिन खासतौर पर केंद्र सरकार ने कल ही गाइडलाइन जारी कर दी थी कि लॉकडाउन 4 में किस प्रकार की राहत दी गई है और किस प्रकार की पाबंदियां लगाई गई है। लेकिन राजस्थान सरकार की ओर से गाइडलाइन अभी तक जारी नहीं हुई है और आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो अधिकारी है उनके साथ बैठे की सीएमआर में और गाइडलाइन का जो ड्राफ्ट अधिकारियों ने तैयार किया था उसको, उसमें जो संशोधन करने थे वो संशोधन करने के बाद फाइनल कर दिया है। माना जा रहा है कि 4 बजे तक कभी भी राजस्थान सरकार की ओर से ये गाइडलाइन जारी हो सकती है और उसमें किस प्रकार की रियायतें दी जाएगी वो साफ हो जाएगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो लॉकडाउन में जो गाइडलाइन केंद्र सरकार ने जारी की और जो रियायतें दी है उससे पहले ही गहलोत सरकार ने काफी कुछ रियायतें राजस्थान की जनता को दे दी थी। जहां पर कर्फ्यू ग्रस्त इलाके नहीं है वहां पर काफी कुछ दुकानें खोलने की अनुमति दी थी, चाहे इलेक्ट्रॉनिक की बात हो चाहे मिठाइयों की हो, और तमाम जो जो ऐसी दुकानें हैं जिनको खोलने से संक्रमण का खतरा कम हो, अति आवश्यक वस्तुएं चाहे खाद खाद बीज की दुकानें, इन सबको रियायत दे दी थी। लेकिन फिलहाल जो आज जो गाइडलाइन जारी होगी उसमें कुछ और रियायतें दी जा सकती है। खासतौर पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात थी वो केंद्र सरकार ने राज्यों पर छोड़ा था कि वो अपने स्तर पर इस पर फैसला करें। तो माना जा रहा है कि जो आज गाइडलाइन जारी होगी उसमें हो सकता है कि जो रेड जोन है उनको छोड़कर कहीं जगह पर कुछ परिवहन की परमिशन दी जा सकती है, साथ ही जो कर्फ्यू ग्रस्त इलाके हैं उनको छोड़कर जो दूसरी दुकानें हैं उनको भी खोलने की अनुमति दी जा सकती है। फिलहाल ड्राफ्ट पूरी तरह से फाइनल हो चुका है गाइडलाइन का और जल्द ही गृह विभाग की ओर से आज शाम 5 बजे से पहले जारी हो जाएगी। जी बिल्कुल पिंटू, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया।